हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माने। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है आपके? फटाफट से एक मूवी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पेन हसलर। ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, आप नेटफ्लिक्स पे इसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे क्राइम ड्रामा जो कॉरपोरेट से आते हैं अगर वो पसंद है तो आप ये देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर क्राइम ड्रामा इस तरीके का हो, वो मेडिकल दुनिया से हो, तो शायद आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा जाग जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली और ये सारे जितने भी आसपास लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपके आंखों के सामने भटकने लग जाएंगे कि यार जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उसके पीछे क्या कुछ राज होते हैं। तो एमिली ब्लंट है इसके अंदर और क्रिस इवेंस है, और इस मूवी का नाम है पेन हसलर। तो एक ऐसी विमेन की कहानी है जो कि अपने जीवन की जद्दोजहद में फंसी हुई है और सिंगल मदर है। तो वो एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करती है जिसको उसको पता है कि थोड़ी सी लालची है, और इस लालच चक्कर में वो क्या कुछ करती है वो सब आपको दिखाया जाता है, वर्सेस अ वुमन जिसको सक्सीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपना जीवन जो है ढंग से व्यतीत कर पाए। तो क्या वो एक्सपोज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और एक्सपोज करेगी तो क्या कुछ वो फाइंड आउट कर पाएगी कि, तो यही सब सारी यहाँ पर कहानी है। क्रिस इवांस का रोल भी है जो भी है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, और जो इनके बॉस का रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया, और जिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से ये गुजरती है एमिली ब्लंट वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि एज ऑडियंसेस आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या इसको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो मोरालिटीज बीच के अंदर आ जाती हैं। बट अब क्या ये मूवी बहुत अच्छी बनी है? मैं ये बोलूंगा कि पहली सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है कि बहुत ही ज़्यादा ये प्रेडिक्टेबल है। काफ़ी सारी ऐसी मूवीज और वेब सीरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग नहीं दिखने वाली है, और थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटेड हूँ क्रिस इवांस से, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ऑर्डनरी टाइप रोल ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी उनका सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, यहाँ पर वो काफ़ी बड़े सूत्रधार की तरह बिहेव कर सकते थे पर ऐसा हुआ नहीं है। बाकी जिस तरीके से ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती हैं, जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ देखा भाला सा लग रहा है आपको। ऑलमोस्ट हर एक सीन जो है वैसा के वैसे ही लगेगा जैसे आपने किसी और मूवी से पिक किया है। तीसरी चीज़ जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगी वो ये लगी कि आपको कभी भी कोई भी कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फील करने के लिए जो इमोशनल उसकी जर्नी है और जो घर में जो लोग हैं जिनके लिए ये एमिली ब्लंट कुछ करना चाहती है, अगर उससे इमोशनल लगाव इसका खुद का नहीं होगा तो वो आप थोड़ा सा जो है डिटैच हो जाते हो कैरेक्टर के साथ। वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फील ज़रूर होगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो चीज़ ये हाईलाइट करती है उससे आप कॉशियस बहुत ज़्यादा हो जाओगे, और आप ये कोशिश करोगे कि भाई नेक्स्ट टाइम जो है हमें अपनी आईज़ एंड ईयर्स जो है थोड़ी सी ओपन रखनी है, और जब हम चाहे नौकरी ले रहे हों चाहे हम किसी कंपनी का कोई सामान ले रहे हों तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो ज़रा थोड़ा समझ लें कि ये कैसे हो रहा है। बाकी नेटफ्लिक्स ने आई डोंट थिंक के बहुत इफेक्टिवली इन स्टार्स को यूज़ किया है, ये बड़े स्टार्स हैं, कोई और इफेक्टिव रोल भी इनको मिल सकते थे। आई थिंक क्रिस एवेंस को ये लग रहा है कि जो कैप्टन अमेरिका की जो लार्जर देन लाइफ इमेजरी है उससे बाहर निकल के थोड़ा ऑर्डनरी रोल करेंगे तो एज एन एक्टर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, बट थोड़ा सा मिस फायर हो रहा है अभी तक। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 6/10। इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल मूवी बट द टॉपिक इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। बाय।